फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आर के सिंह, लेजर एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम डेफिनेट क्योर। आज हम फिर हाजिर हैं एक टेस्टिमोनियल के साथ। हमारे साथ आज हैं मिस्टर सचिन, जिनका इमरजेंसी में हमने लैप अपेंडिक्स किया था। तो आज सचिन जी से ही पूछते हैं उनके इस एक्सपीरियंस के बारे में कि उन्हें पहले कैसा फील होता था और सर्जरी कराने के बाद कैसा फील हो रहा है। हाँ, हेलो सचिन जी, कैसे हैं आप? हेलो सर, बहुत बढ़िया। और आप फॉलोअप में आए हैं आज, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले जब आप सर्जरी के दौरान, जब सर्जरी से पहले जो आपको पेन वगैरह होता था, तो उस टाइम पे क्या दिक्कतें आ रही थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मुझे सर्जरी से पहले एक्यूट पेन हुआ। उसके बाद में मैं समझ नहीं पाया कि पेन किस चीज़ का है, कि अपेंडिक्स है या फिर स्टोन है। फिर मैंने रिपोर्ट्स वगैरह कराई, चेकअप कराए, उसके बाद में पता चला कि अपेंडिक्स है। उसके बाद में फॉलोअप में मैं आपके पास में आया। उसके बाद आपने फिर मुझे एडवाइस किया कि आपकी सर्जरी होनी है, उसके बाद आप मेडिसिन दी और सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब सचिन जी आए तो उस टाइम पे अपेंडिक्स तो था ही इनको, और गॉल ब्लैडर स्टोन इंसिडेंटल फाइंडिंग भी थी। तो मैंने सचिन जी को एडवाइस किया था कि आप क्यों ना सेम सिटिंग में दोनों सर्जरी, और हम सेम जो पोर्ट अपेंडिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं उन्हीं पोर्ट से हम आपका गॉल ब्लैडर भी निकाल देंगे। बट एक सचिन जी थोड़े से अभी फाइनेंशियल इशूज़ था, तो इन्होंने बोला कि नहीं, अभी मैं नहीं कराना चाहता बाद में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो अभी सर्जरी कराने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? सर्जरी कराने के बाद आई एम फीलिंग गुड। अभी मुझे बहुत कम पेन है। अभी मेरे 10 दिन ही हुए हैं सर्जरी, और 2-3 दिन के बाद ही मुझे पेन धीरे धीरे बहुत कम होना शुरू हो गया था। मैं इतनी सारी चीज़ें नॉर्मली करना शुरू कर दिया था, खाना पीना, उठना बैठना, चलना, सब कुछ। जैसे आप चाहते थे कि आपकी सर्जरी दूरबीन से हो, तो वो वैसा ही हुआ? हाँ बिल्कुल, लैप्रोस्कोपी बहुत अच्छी टेक्निक है सर्जरी के लिए। उसमें पेन बहुत कम होता है और रिकवरी टाइम बहुत कम है पेशेंट को। बहुत एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि सचिन जी की सर्जरी हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया था, जिससे कि पेशेंट अपना जागता रहता है और होशोहवास में होता है, और हम पेशेंट से बात भी करते रहते हैं और बातों बातों में सर्जरी हो भी जाती है। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस सचिन जी का भी था, ये अपनी लाइव सर्जरी उस टाइम पे देख रहे थे अपनी आंखों से। हाँ, कुछ बताओ उसके बारे में सचिन। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर राज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन ओटी, और वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई डर या कोई दिक्कत है। वो बार बार मुझसे पूछते थे कि पेन हो रहा है नहीं हो रहा, मेरी सारी चीज़ों का ख्याल रखा, और बहुत ही अच्छा ऑपरेशन वहाँ पे। मैं एक्चुअली मैं खुद भी आप जैसे बोले कि मैं देख रहा था अपना ऑपरेशन, देखना ये अपने आप में बता देता है कि कितना ईजीली सब कुछ निपट गया। जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको डेफिनेट क्योर के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने भी हर्निया का ऑपरेशन कराया था, तो मुझे जब प्रॉब्लम पता चली कि ऑपरेशन होना ही है, तो फिर मैं सर्च करने लगा कि कहाँ पे ऑपरेशन होना चाहिए कहाँ नहीं। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप एक बार डॉक्टर राज से बात कर लीजिए, वहाँ पे जाइए, आपका पूरा प्रिस्क्रिप्शन वो देखेंगे और आपको फिर एडवाइस करेंगे। और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, इसलिए उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। ठीक है। थ्रू आउट ऑल ऑफ योर जर्नी ऑफ द सर्जरी एंड ट्रीटमेंट, मतलब कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली हमारा स्टाफ के बारे में, कोई नहीं, कंप्लेंट किसी के बारे में कुछ? नहीं नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। बहुत सभी बहुत कोऑपरेटिव रहे, बहुत हेल्पफुल रहे, सभी ने मुझे जो भी मेरी क्वेरीज थी वो क्लियर की। स्पेशली आपने बहुत अच्छा मुझे एडवाइस दी, इससे कि सर्जरी के टाइम पे जो लोग डरते हैं सर्जरी कराने से, वो सब डर मेरा पहले ही निकल चुका था, क्योंकि आपने मुझे इतने अच्छे से सारी चीज़ें बताई थी कि मुझे नहीं लगता था कि कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी, और वैसा ही हुआ। पहले आप काफ़ी घबरा रहे थे। पहले थोड़ा घबराया हुआ था कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन सर्जरी जब मेरी हुई तो 3 होल्स हुए, बटन हो, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत हुई है। एक बार मैं चाहूँगा कि आप एक बार जो बटन होल सर्जरी हुई है एक बार दिखा देते हैं। मैं एक बार आप खड़े हो जाइए सचिन जी। तो ये सचिन जी की बैंडेड हैं छोटी छोटी, जिनको कि हम हटा सकते हैं, और अभी आप टाके भी एक एक किया सिंपल व्यूअर्स हैं उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी तरह की सर्जरी करानी हो, हर्निया या अपेंडिक्स या कुछ भी किसी भी तरह की सर्जरी, तो आप कम से कम एक बार डेफिनेट क्योर जरूर आएँ। यहाँ पे आप डॉक्टर राज से मिलें, एडवाइस लें, और कंपेरेटिवली आपको यहाँ पे बहुत सस्ता और बहुत बेस्ट इलाज मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। सचिन जी, अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाहूँ कि 0 to 10 में हमें आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड ट्रीटमेंट ऑल? मैं तो 10/10 देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, ट्रीटमेंट, एडवाइस, और यहाँ पर जो
इलाज थोड़ा सस्ते में भी हो गया, क्योंकि अदर जगह आप जाएंगे मैक्स वगैरह या किसी भी हॉस्पिटल में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली ऑपरेशंस हो जाते हैं, तो उनकी अगर आप कंपेयर करें यहाँ से तो बहुत चीपेस्ट और बहुत बेस्ट मुझे ट्रीटमेंट। जो हमें दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी तरह की सर्जरी करानी हो, हर्निया या अपेंडिक्स या कुछ भी किसी भी तरह की सर्जरी, तो आप कम से कम एक बार डेफिनेट क्योर जरूर आएँ यहाँ पे, आप डॉक्टर आज से मिलें, एडवाइस लें, और कंपेरेटिवली आपको यहाँ पे बहुत सस्ता और बहुत बेस्ट इलाज मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने सुना, सचिन जी ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, और अब हमारी अदर ब्रांचेज भी ओपन हो चुकी हैं, आप हमसे कहीं भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, द्वारका, रोहिणी और वेस्ट दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में तो हमारा मेन सेंटर है ही, आप कहीं भी किसी जगह पर भी डेफिनेट क्योर को सर्च कर सकते हैं और अपने ओपीडी का टाइम ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल डेफिनेट क्योर।